आपका स्वागत है। ये बढ़ते हैं खबरों की तरफ। अयोध्या के राम मंदिर में श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तारीख नजदीक आ रही है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने फैसला किया है कि मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को प्रसाद के रूप में इलायची दाना दिया जाएगा। अयोध्या के राम मंदिर में श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तारीख नजदीक आ रही है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने फैसला किया है कि मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को प्रसाद के रूप में इलायची दाना दिया जाएगा। इलायची दाने को चीनी और इलायची के मिश्रण से बनाया जाता है। ये आमतौर पर देश भर के मंदिरों में प्रसाद के रूप में दिया जाता है। श्रद्धालुओं को दिए जाने वाले इस प्रसाद को तैयार करने का ऑर्डर राम विलास एंड सन्स को दिया गया है। श्री राम जन्मभूमि में प्रसाद वितरण हो रहा है, उसमें छोटी इलायची और चीनी मिला के इलायची दाना प्रसाद जो है यहाँ तैयार किया जाता है। हम लोग जो है निरंतर लगे हुए हैं इसमें और रोज प्रसाद जो है तैयार हो रहा है। बाकी वहाँ से जैसा भी ट्रस्ट से आदेश आएगा उसी हिसाब से हम लोग पूरी तैयारी किए हुए हैं। इलायची दाने के कुछ स्वास्थ्य लाभ भी बताए जाते हैं। इसमें पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, तमाम खनिज इसमें मिलते हैं। ये पेट के लिए रामबाण औषधि के रूप में काम करता है, पूरे यूपी कवर करता है। कस्टमर अपने आप आते हैं और गोरखपुर से मतलब जितने हैं पूर्वांचल वूर्वांचल सब इधर ही लेते हैं। फैक्ट्री के कर्मचारी 22 जनवरी से पहले प्रसाद के 5 लाख पैकेट तैयार करने के लिए लगन से काम कर रहे हैं।